तो दोस्तों अभी मैं एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। नीचे को दिखाता हूँ, देखो लगभग 40। सो गाइस, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया। आज किए मैंने फिंगर पुशअप। सो फिंगर पुशअप से बेसिकली ये देखो आप, पानी बिल्कुल नेचुरल सोर्स वाटर है। ये पानी हम लोगों को पिलाते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। बाउंड्री का, बाउंड्री भी दिखाऊँगा आपको आज, उसकी सफाई भी करें। इतना ईजी नहीं होता किसी भी कार्य को करना, किसी भी प्रोजेक्ट को चलाना। गांव के एरिया है, यहाँ पे हर चीज़ की दिक्कत आती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमाचली टफ मैन में। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मॉर्निंग में अपने मॉर्निंग वॉक पर। और यह जो रोड जाता है, यह जाता है हमारा खनालग रोड, सीधा कुनिहार को यह रोड जाता है हमारे यहाँ से। सो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और हार्दिक भी है, हर्षिता दोनों मेरे साथ आ जाए हैं और जिम्मू भी आया हुआ है। सो अभी ये लोग रनिंग करेंगे। सो स्टार्ट, अन्य मार्क सेट को। सो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, चलो 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 चल चल आजी आजी, इसको मत पकड़ तू अपने हाथ, चल हर्षी चल चल, वेरी गुड आदि, शाबाश, बहुत बढ़िया आदि, बहुत बढ़िया, चल 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 पकड़ा इंदू। तो हादी और मैं दौड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप, मेरी हादी बहुत खतरनाक दौड़े हुए हैं और हर्षिता भी पहाड़ तक दौड़ रहा हमने। हर्षिक तेज, हर्षिक चल चल चल। तो गाइस हम वापस आ चुके लगभग 1.5 किलोमीटर की रनिंग करके, और यहाँ ये है हमारा रोड, और यहाँ पे हर्षु हमारी भूतनी बनी हुई सुबह सुबह, और हार्दू भी अपने डोले शोले दिखाने के चक्कर में, और यहाँ पे आपका हिमाचली टफ मैन। आज भी मित्र चल दिया। तो दोस्तों अभी हम रनिंग करके पहुंच चुके हैं घर, और यहाँ पर माता श्री चाय का आनंद लेते हुए, और उधर पिता श्री उस कोने पे देख सकते हैं दोस्तों आप, डॉक्टर डी आर राजपूत यहाँ पर चाय का आनंद लेने के बाद। चल भाई हर्षु, चल आदि, कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आज? ये वाली, और हर्षिता रनिंग करने के बाद स्कूल की तरफ तैयारी में जुट चुकी है। तो हर्षिता एक दो एक्सरसाइज मार दो जरा दर्शकों को, फ्लिप्स मार दो, चलो ये नहीं ऐसे नहीं, वो वाले फ्लिप्स मार दो, चलो वो वाला जो फ्लिप्स, हाँ। काफ़ी दिनों बाद हर्षी इस एक्सरसाइज को कर रही है, काफ़ी टाइम हो गया, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, पहले फास्ट करती थी, अब स्लो हो चुकी है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना वैसे वैसे एक्सरसाइज भूल रही है। अच्छी वीडियो। 12, 13, 14, 15, 16। सो गाइस, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया। आज किए मैंने फिंगर पुशअप। सो फिंगर पुशअप से बेसिकली हमारी उंगलियां काफ़ी मजबूत बनती है, और हाथों का बैलेंस भी बहुत ही शानदार हो जाता है, और हमारे जो कलाई होती है वो भी मजबूत बनती है। सो गाइस, एक्सरसाइज करने के बाद अभी कर रहा हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे बच्चे लोग भी अभी स्कूल जा चुके हैं, और इसके बाद करूँगा मैं घर का थोड़ा सा काम, और उसके बाद निकलूँगा होटल। सो खाने में आज बनाया गाइस लिंगड़ी की सब्ज़ी, लोकल हमारे हिमाचल की ताज़ी ताज़ी रोटी,
सलाद। खा लिया जाए खाना, मिलते हैं आपसे। दोस्तों अभी मैं एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। नीचे को दिखाता हूँ, देखो लगभग 40 फुट, ये देख सकते हैं आप। तो यह पेड़ जो है काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और एक्चुअली क्या क्या करना चाहिए, जब शुरू शुरू में ही इन पेड़ों के जो ये शाखाएं होती है इनको काटना पड़ना था। उससे क्या होता है, पास जो हमारा घास होता है उसको निकालने में आसानी होती है। जितने छोटे होते हैं उतनी आसानी से घास निकल जाता है, और बंदे की लाइफ का भी रिस्क नहीं रहता। तो वहाँ कितनी हाइट पर हूँ अभी, ये देखो आप नीचे ज़मीन। तो इस तरह का रिस्की वर्क होता है गाइस हमारे गांव में, ये देखो आप। ये दिखाता हूँ, मैं खड़ा हो रखा हूँ, काफ़ी डेंजरस स्थिति में इस टाइम है। ये ऊपर गौशाला हो गई, और ये मैं यहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह का रिस्की वर्क होता है गाइस हमारे गांव में। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी बाउंड्री को साफ करने के लिए, मैं और जीजा जी। तो दीदी रहते हैं आपको, जहाँ से हमारे को बरसातों में पानी आता है, ये उससे आप फ्लावरिंग यहाँ पर होती है। ये देखिए आप कितनी अच्छी डेकोरेशन जीजा जी ने यहाँ पे की हुई है, ये देखो आप। तो यहाँ से देखिए आप बेहतरीन व्यू। तो अभी हम लोग बाउंड्री साफ करने जा रहे हैं, ये चलते हैं आपको। इसलिए आजकल बरसातों में पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना पानी का होता है हमें। और देखो आप, बरसातों में जबकि पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत बरसातों में भी पानी की हो जाती है। तो ख़रीद के बहुत सारा पानी मंगवाना पड़ता है, महीने में लगभग 8 से 10 हज़ार का पानी का इस होटल में महीने में ख़रीद के ही आता। सोच लो आप कि कैसे बंदा कमाई करेगा। ये देखो आप यहाँ से व्यू, ये हमारे हट से इधर नीचे, यहाँ से ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप जीजू खींच रहे पानी, ओ बहुत ऊपर से हमने पानी लगाया हो भाई, बहुत ज़्यादा दूर से। सो गाइस अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह का पानी आता है। शुरू में पानी गंदा आता है, उसके बाद साफ आता है। देखो वो देखो आप, वो देखो भाई आप, पानी अभी आएगा साफ पानी। ये देखो आप पानी, बिल्कुल नेचुरल सोर्स वाटर है ये पानी, हम लोगों को पिलाते हैं बिल्कुल साफ सुथरा पानी बावड़ी का। बावड़ी भी दिखाऊंगा आपको आज, उसकी सफाई भी करेंगे, कहाँ से हमारे होटल को पानी आता है। हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं बावड़ी की तरफ, ये देखो आप गए हैं, ये देखो आप चलते ही जा रहे हैं। तो इतना इजी नहीं होता किसी भी कार्य को करना, किसी भी प्रोजेक्ट को चलाना, गांव के एरिया है, यहाँ पे हर चीज़ की दिक्कत आती है। पानी, सब्जी, कुछ भी सामान लाना तो बहुत दिक्कत आती है यहाँ तक सामान पहुँचाने में। ये देखो आप नीचे, यहाँ पे हमारा हट्स वाला एरिया, ये देखो दोस्तों आप हाइट से यहाँ का एरिया, ढाली वैली अपनी। और मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ गाइस, ये देखो आप। आपको ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलेगी ना बरसातों में, ये देखो आप, भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलेगी आपको जंगल में। ये देखो इनका हर चीज़ का यूज़ होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। तो ये देखो आप हमारी पाइप, और ये देखो आप हमारा होटल कितना दूर रह गया, कितनी दूर से हम अपने गेस्टों को नेचुरल पानी पहुंचाते हैं। ये देखो आप गाइस, बस एक बार इसकी हमने सफाई करनी है। पानी दिखाता हूँ आपको, प्योरिटी पानी, ये देखो प्योरिटी, देखो पानी की। यहाँ पे नीचे पशु पीते हैं, और ये इंसानों के लिए। इसके आस पास जितना भी घास है ना उसको निकाल देता हूँ, इसकी सफाई भी हो जाएगी। और एक पानी के नज़दीक कीड़े कांटे सांप सूंप होते वो भी नहीं आते थे। तो
गाइस इस ढांक के नीचे गाइस है पानी, और यहाँ पे अभी मैंने ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने घास काट लिया है, और अभी जैसे ही बावड़ी खाली होगी इसकी मैं सफाई करूँगा। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है गाइस, यह एक तरह का आयरन होता है और इसको हमारे कौ बोला जाता है। और सफाई हो चुकी है और अब चलता हूँ मैं होटल की तरफ और नीचे देखता हूँ गेस्टों को। आज के दिन के ब्लॉग को किया जाए यहाँ पर ही एंड। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। सो बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।